वेलकम टू माई चैनल एंड शाइनिंग। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ स्टिकर दिखाने वाली हूँ, जिससे कुछ थोड़ा बहुत होम डेकोरेशन। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमने नया घर लिया है तो बजट फ्रेंडली मेकअप ही हमें चाहिए, और मैं थोड़ा थोड़ा करके जो भी बर्तन आ रहा है मैं ले रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं चल जाऊँगी। अभी मैंने जितना लिया है बस उसी का एक थोड़ा मोटा और देख लीजिए कि मैंने क्या लिया। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ वॉल स्टिकर से। पांच मैंने वॉल स्टिकर लिया है, दो ऐसे बड़े साइज का जो बिल्कुल ही कवर कर देगा वॉल को वैसा। और ये वाला जो लाइट पिंक में है, हेलो किटी वाला है, इसमें किटी की इमेज है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, 250 या 69 ऐसा कुछ लिया है। और ये वाला मैंने अमेजोन से लिया है, ये भी पिंक में है, कुछ फ्लावर की ब्रांच सा है, पर अब इसे सजाने के बाद ही आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। ये दो हिस्सों में ऐसे स्टिकर के आए हैं। और उसके बाद मैंने लिया, ये भी फ्लावर की ब्रांच है, पर इसे भी सजाना पड़ेगा, ये भी दो हिस्सों में ही ऐसे आया है। सजाने के बाद ही आप लोगों को डिजाइन समझ में आएगी। तो ये वाला जो है वो मैंने 129 में लिया था। और ये कुछ स्ट्रिंग लाइट्स है जो कलरफुल है, और ये एक बस कॉस्मेटिक्स है, एक साथ आया ना तो एक साथ था तो मैं अभी दिखा रही हूँ। तो अभी ये वाला है वॉल पेंटिंग जो राधे कृष्ण की इमेज है, उसके साथ साथ दो उसके साइड या फिर उसकी कंपलसरी है जो वो है पिकअप की, मैं उसे भी दिखाती हूँ। और उसके पीछे ना बोथ साइड टेप भी लगा के आया है, तो अभी आप लोग वॉल में कहीं भी स्टिक कर सकते हो। और अभी मैं दिखा रही हूँ और एक इमेज, ये वाला मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कुछ लव ट्री ऐसा लिखा था। तो ये वाला मैंने लिया है अमेजोन से। तो जो ये जो है ना, उसे भी सजाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि देखिए कुछ लड़की की पैर, लड़की का पैर ऐसा दिख रहा है। तो सजाऊंगी तो मैं जब स्टिक करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और उसके साथ ये वाला कोई होम डेकोरेशन वाली चीज़ नहीं है, ये भी एक साथ ही आया है। एक चॉपिंग बोर्ड है, मेरे पास नहीं था तो मैंने लिया है, तो 250 के अंदर ही आ गया है और बहुत ही अच्छा है इसका क्वालिटी, मैंने चेक किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं दिखाती हूँ और एक बड़ा वाला वॉल स्टिकर जो मैंने पिंक में दिखाया था। ये ना बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है, मैं तो पूरा के पूरा खोल के नहीं दिखा सकती, तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। ऐसे ब्लॉक ब्लॉक सा है वाइट में ब्लू का, तो 3D इफेक्ट देती है। मैंने ऐसा इमेज में देखा था, तो अभी लगाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे जरूर कैसा लग रहा है। सो अभी शाम हो गई है और मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी रेसिपीज। तो पहले मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, उसमें मैं नमक और ऑयल डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर उसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं आटे को गूंद लूंगी। एक्चुअली मोगलाई जो है ना, उसका आटा थोड़ा सा नरम बनाया जाता है, तो मैं वही कर रही हूँ। पर आप लोग अगर आटे से बना रहे हो तो मैदा से थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप बनाना, वरना आटा वैसा ही नरम सा होता है, तो वरना वो हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगी। तो मैं थोड़ा सा नरम बना रही हूँ, मोगलाई के आटे ऐसे ही बनाया जाता है, फिर बाद में इसे ऑयल से ग्रीस करोगे तो आपके हाथों से आटा ऐसे उठकर उसमें लग जाएगा। तो अभी ये आटा ऑलमोस्ट रेडी है। ये सेट करने के लिए मैं अभी 20 से लेकर 30 मिनट तक इसे ढककर ऐसे ही रख दूंगी। तो अभी बाकी के तैयारियां मैं कर लेती हूँ। तो मैंने दो अनियंस ऐसे फाइनली चॉप करके रख दिया, उसके साथ साथ हरी मिर्च भी है, पर मैं कुछ अनियंस अलग से रख दूंगी क्योंकि मुझे जो चॉप किया हुआ मीट है उसे भी रोस्ट करनी है। तो अभी मैं दो अंडे भी इसमें डाल लूंगी।
मैंने अनियंस अलग से रख दिया है। और तो ऐसे दो अंडे से आप लोग 6 to 7 मोगलाई बना सकते हो। अगर मीडियम थोड़ा सा छोटा वाला या फिर मीडियम साइज में बना रहे हो तो। और अभी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो मीट था उसे अच्छे से फाइनली चॉप किया है। एक्चुअली इसे मिक्सी में भी आप पेस्ट कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि हाथों के मदद से करना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हो। तो अभी मैं फ्राइंग पैन में ऑयल ले रही हूँ और उसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें अनियंस ऐड कर दूंगी। और अनियंस ऐड करके मैं उसमें डाल थोड़ा सा अनियंस को फ्राई करते ही उसमें चॉप किया हुआ मीट को भी डाल दूंगी। फिर उसे अच्छे से भून लेंगे हम कढ़ाई में। तो जो चिकन मुगलाई है ना वो बहुत ही आसान सी है, बस मुगलाई की तरह ही है। बस थोड़ा सा आप लोगों को चिकन की पीसेस को रोस्ट करनी पड़ेगी। और अभी मैं जिंजर गार्लिक की पेस्ट जो चिकन रोस्ट करी वहां पर भी थोड़ा सा डालूंगी। और जो मैं अंडे प्याज से बैटर से बना रही हूँ उसमें भी मैं थोड़ा सा डालूंगी ताकि फ्लेवर अच्छी आए। तो मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक और उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाल के मैं पेस्ट करती हूँ, तो वो भी मैं डाल दिया है। अभी मैं डाल रही हूँ एक जो मैगी की मसाला होता है ना, तो मैं जो मैगी का बड़ा पैकेट लाती हूँ तो सारे के सारे मसाला खत्म नहीं होता तो मैं रख देती हूँ। तो ऐसे फूड्स में डालते ना पकौड़ा वकौड़ा में बहुत ज़्यादा उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो अभी मैं नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर बैटर में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर ना मैगी के मसाले डालने के बाद थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकेगा मसाला, तो मसाला ताकि जल ना जाए तो थोड़ा सा पानी डालकर हाथ से ही ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करके डालिएगा तो मसाला जलेगा नहीं और मीट अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो आटा मैंने वापस ले लिया है और जो मैंने मीट फ्राई किया था वो मैंने एक साथ अंडे के साथ डालकर बैटर बना लिया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेकर आप लोग ऐसे छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ना, वरना फिर से दोबारा हाथ में चिपक जाएगा ये। एक्चुअली आटा ज़्यादा हेल्दी होता है मैदा से, तो हम आटे से बना रहे हैं। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हो, उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। ऐसे ओवल शेप या फिर थोड़ा सा स्क्वायर में बनाओगे तो मोड़ने में आसान होगी। तो अभी मैं इसमें चिकन और एक की बैटर डाल के इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी। फिर इसे छोड़ दीजिए गरम ऑयल में और ऐसे उसे फ्राई कर लीजिए। एक बार अगर आप लोग चिकन मुगलाई बनाओगे ना तो आप लोग बाहर नहीं खाओगे, इतना टेस्टी बनता है। घर में बनाओगे और इसमें तो कुछ भी नहीं लगता है। वैसे भी मुगलाई मैं बस सॉस के साथ ही खाती हूँ और चिकन मुगलाई तो बस सॉस के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए कितना यम्मी दिख रहा है अभी हमारा मुगलाई। तो थोड़ा सा मैं सॉस डाल देती हूँ बीच में ताकि हम लोग खा सके। तो रेडी है मेरी यम्मी मुगलाई। आप लोग भी घर में ऐसे मुगलाई बनाइए और खुद खाइए और सभी को खिलाइए, तो सच में सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो अभी रेसिपी नंबर 2, सोयाबीन के पकौड़ी। ये वाला जो डिश है ना, एक स्नैक्स डिश, तो ये बहुत ही आसान सी है, बहुत ही जल्द हो जाती है। तो मैंने न्यूट्रिला को मैंने
भिगो के रख दिया था 2 आवर्स तक। 1 आवर्स भी काफ़ी है, आप चाहे तो बॉयल भी करके उससे अच्छे से पानी निचोड़ कर बना सकते हो, पर मुझे लगता है कि भिगोने के बाद बनाने से ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी मैं उसमें एक अंडा डाल दिया है और अभी मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा इसमें शुगर भी डाल देना, इससे टेस्ट अच्छी बन जाएगी। और मैं इसमें जीरा पाउडर और थोड़ा सा जो चिकन करी मसाला या फिर गरम मसाला ऐसे भी आप डाल सकते हो, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैं एंड में डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, एक्चुअली पकोड़ा है, थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर उसमें उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ऐसे पकोड़े के शेप में एक एक करके डाल दीजिए कढ़ाई में। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो ऐसे सॉस में डुबो कर खाइए और इसका मजा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग भी घर में ज़रूर बनाना है एक दोनों स्नैक्स रेसिपी, और मेरे चैनल